रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि रामगढ़ जिला नाई समिति रामगढ़ के विभिन्न प्रखंडों से 21 सदस्यीय टीम पतरातू थाना के थाना प्रभारी से मिलकर एक माह पूर्व दिनांक 20 फरवरी 2022 को गुम हुई रेशमी देवी पति विपिन ठाकुर को खोजने में मदद की गुहार लगाई है। ताला टाण से गुम हुई रेशमी देवी का सुराग अभी तक नहीं मिल पाई है। 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि 4 से 5 दिनों में ढूंढ निकाला जाएगा। थाना प्रभारी से मुलाकात करने वालों में मुख्य रूप से प्रोफेसर पूर्णकांत कुमार ठाकुर, लालचंद ठाकुर, महेश ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, प्रदीप शर्मा, गणेश ठाकुर, इंद्रदेव ठाकुर, डोमन ठाकुर, दिगेंद्र ठाकुर, संजय ठाकुर, चंद्रदेव ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, पार्केश्वर ठाकुर, बसंत ठाकुर, वासुदेव ठाकुर, अनिल ठाकुर आदि उपस्थित रहे। जिला न्याय समिति के तत्वाधान में रामगढ़ जिला की कमेटी के सभी पदाधिकारीगण आज पतरातू थाना हम लोग सभी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पहुँच करके आज हम सभी लोग जो है यहाँ के थाना प्रभारी से हम लोगों ने मुलाकात किया। इससे मुलाकात करने का मुख्य उद्देश्य था कि ग्राम तालाटाड़ के में जो है एक घटना विगत एक महीने पूर्व जो है घटा है, जो कि वहाँ विपिन ठाकुर जिनकी पत्नी रेशम देवी वहाँ दोनों जो है अपने जीजा जी अर्जुन ठाकुर के यहाँ रहते थे और रहने के बाद जो है वहाँ से जो है कुछ दिनों पूर्व जो है दिनांक 20 तारीख को जो है वो वहाँ से जो है वो लड़की अभी तक जो है वो उसकी सुराग जो है हम लोगों को पता नहीं चल पाया। वो कहाँ वहाँ से गायब है ना उसके परिवार वाला बता पाए हैं ना ही प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अभी तक उसकी कोई भी सूचना मिल पाई है। और ये पूरे उसके परिवार वाले माता पिता और पूरे समाज के लोग जो है इस वजह से बहुत काफ़ी जो है दुखी और मर्माहत है, बहुत परेशान है और खोजबीन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कहीं से जो है कुछ भी उसका सुराग नहीं मिल पाया। उसी के तहत हम सभी लोग जो है आज आके थाना प्रभारी पतरातू से आज मुलाकात किए और मुलाकात करके जो है उनसे हम लोगों ने अपनी बातों को अवगत कराया और बातों को अवगत कराने के बाद उनसे हम लोगों की बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद उन्होंने अभी करीब 4 दिनों का वो उन्होंने समय मांगा है। तो ये रामगढ़ जिला न्यायिक कमेटी जो है पूरे समाज जो है अभी 4 दिनों का समय जो है दिया है कि भाई 4 दिन हम सभी लोग भी प्रयास करेंगे उस लड़की को ढूंढने में और आप भी प्रयास करें और ये 4 दिनों के पश्चात अगर जो है उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाएगा तो रामगढ़ जिला कमेटी के द्वारा जो है फिर आगामी 1 अप्रैल से को जो है पतरातू थाना में आकर के जो है फिर थाना प्रभारी से मुलाकात कर और आगे की कार्रवाई हेतु आगे की रणनीति के लिए पूरा जिला कमेटी जो है वो रणनीति बनाएगी कि आगे जो है उसके लिए पूरा क्या करना है। और ये जिला कमेटी जो है उस समय जो है फिर ये बाध्य हो जाएगा कि भाई जो है आगे हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करें या फिर जो है हम लोग रैली निकालें, हम लोग आगे कुछ भी करने को तैयार होंगे जिला कमेटी के द्वारा, क्योंकि इसकी सूचना जो है हमारे एसपी साहब को भी दिया जा चुका है। एसपी साहब के भी संज्ञान में ये सूचना है और आज भी मुलाकात एसपी साहब से हुई थी और उसके पश्चात जो है हम यहाँ पर थाना प्रभारी से आकर के मुलाकात किए हैं, लेकिन आज थाना प्रभारी से जो है हम लोगों को सकारात्मक जो है वो आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आप समाज भी मुझे कोऑपरेट करें और कुछ क्लू है तो आप भी बताएं और हम भी जो है उसकी जानकारी विशेष रूप से।